रामराजा सरकार की नगरी में 6 मार्च को ओरछा महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। ओरछा महोत्सव में आबकारी मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में 6 मार्च से शुरू होने जा रहे नमस्ते ओरछा में प्रदेश के पर्यटन का द्वार खुलेगा। आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के मुताबिक 3 नदियों के संगम स्थल पर स्थित ओरछा में महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ 6 मार्च को करेंगे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसी जगह से लोगों को रोजगार देने की शुरुआत की है जहां मत्था टेकने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि ओरछा मध्य प्रदेश का मुख्य द्वार है जिसे आकर्षक बनाने का काम सरकार कर रही है। इसी दरवाजे से पर्यटक महोत्सव में प्रवेश करेंगे। ओरछा ऐसी जगह है जो मध्य प्रदेश का द्वार है जहाँ से मध्य प्रदेश के लिए लोग प्रवेश करते हैं। तो जब हमारा प्रवेश द्वार खूबसूरत होगा तो स्वाभाविक रूप से द्वार के अंदर जाने की इच्छा हर किसी की होगी। ये मनसा है। इसी मनसा के तहत 6, 7, 8 तारीख को ओरछा नमस्ते ओरछा के नाम से आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे और 3 दिन तक बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां भी रहेंगी और इसके साथ देश और दुनिया के चुनिंदा लोग जो पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। फूड एंड क्राफ्ट बाजार ओरछा में जो है हम लोग करने जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी 6:30 बजे करेंगे। इसके बाद 7 तारीख को जो कंचना घाट हमारा है वहाँ पे महाआरती का आयोजन है। बनारस हम जाते हैं, हरिद्वार हम जाते हैं, वहाँ की आरती में शामिल होते हैं तो एक अलग आनंद प्राप्त होता है। ऐसे बेतमा भैया के किनारे जो हमारा कंचना घाट है उसके ऊपर आरती का आयोजन रखा गया है। इसी के साथ सुबह सुबह योग का, साइकिलिंग का, फोटोग्राफी का और राफ्टिंग का ये कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए गए हैं। वहीं आबकारी मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के दौरे पर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि वह अपने बुंदेलखंड दौरे की शुरुआत राम राजा सरकार के सामने प्रणाम करने के बाद ही शुरू करें। कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले राजा के रूप में जो राम जी ओरछा में विराजमान है और ऐसी उनकी हैसियत है कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े VVIP को ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता। अगर गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो हर पहर राजा राम जी को ही गार्ड ऑफ ऑनर होता है और कोई भी जब शुभ काम होता है तो सबसे पहले वहाँ पर मत्था टेका जाता है। अगर बच्ची की शादी हो, लड़के की शादी हो या कोई भी शुभ काम हो, पहला निमंत्रण लोग राम राजा जी की चौखट के ऊपर रखने जाते हैं ये मान के कि अब हमारा काम शुभ होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड का दौरा अगर है तो मैं तो चाहूँगा कि राम राजा जी की जो मान्यता है, वहाँ की ओरछा की जो मान्यता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ओरछा में पधारें, राम राजा सरकार का मत्था टेकें क्योंकि राम जी के नाम से ही उनका सारा काम चलता है और वहाँ मत्था टेक कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ समानता का व्यवहार करते हुए, मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो स्वाभाविक रूप से बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए दोनों भाइयों को एक सा बंटवारा करके जो है वहां पे जाएं ताकि बुंदेलखंड को सही मायने में आगे ले जाए। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कमलनाथ सरकार के बुलावे पर PM मोदी ओरछा के राम राजा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।